नमस्कार, मैं विजय कुमार, लेक्चरर इन मैथमेटिक्स, वर्किंग एट गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोहटली, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। और मेरे पीछे मेरे क्लास के 12th क्लास के बच्चे हैं। तो मैं इस वर्चुअल मीटिंग में केमिस्ट्री के लेक्चरर श्री मनोज शर्मा जी, जिनके प्रयासों से ये आज की वर्चुअल मीटिंग संभव हो सकी है, मैं इनका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं। हमारे साथ जुड़े हैं लेक्चरर मैथमेटिक्स भगत जी, आईपी के हमारे पास लेक्चरर हैं राकेश जी, और जो उनके साथ दूसरे लेक्चरर हैं। तो और प्यारे बच्चों, आप सबका इस वर्चुअल मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे पास अभी समय थोड़ा कम बचा है, और हम एक गेम खेलेंगे मैथमेटिक्स के ऊपर, और जिसका सब्जेक्ट रहेगा मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट। तो इसमें 10 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे मिलेंगे, और फर्स्ट क्वेश्चन आपको जाएगा, और उसके बाद उसका आप आंसर देंगे, और सेकंड फिर मेरी टीम वाले देंगे। इस प्रकार पांच पांच क्वेश्चन जो है एक दूसरे को, दोनों टीमों को मिलेंगे। तो इस तरीके से हम आज का क्यूज खेलेंगे। तो मैं पहले आपके भगत सर, जो मैथमेटिक्स के लेक्चर हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो इस अवसर पर दो शब्द कहें। सर, हमारा स्कूल एक मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हटगढ़ है। इसमें जो प्लस टू में है, टोटल स्ट्रेंथ 25 है। 25 में 14 गर्ल्स हैं और 11 बॉयज हैं, ओके, थैंक यू और सर, बहुत थैंक यू। एक्सलेंट बच्चे हैं, और मैरिट में बहुत बच्चे दो। तो बहुत तो आप बढ़िया इनसे ये चीजें खो के पूछ सकते हैं। जी मनोज सर, प्लीज दो शब्द आपसे चाहेंगे। थैंक यू सर। ये सब बस सर, ये जो इंट्रैक्शन हो रही है आपके प्रयासों से है, इसके लिए आप सबका धन्यवाद सर। और बच्चों, यू आर लकी कि आपके पास ऐसे टीचर हैं और आपके लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। यू आर वेरी लकी, इसकी एडवांटेज लें, ठीक है, और मेहनत करें। थैंक यू। थैंक यू सर। तो बच्चों, कैरी ऑन करें, ये कोई इसे मत आप समझिए कि ये कोई आपका टेस्ट हो रहा है, जस्ट हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं, और जब हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते हैं तो नई चीजें सीखते हैं। बाकी आपको मैथमेटिक्स अच्छी तरह सर पढ़ाते हैं, आपको आता भी है, हम भी जहाँ पे अपने स्कूल में अच्छा पढ़ाते हैं और बच्चे पढ़ते हैं, तो इसमें ऐसी कोई दूसरी बात नहीं है कि नंबर गलत क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ये एक गेम है। तो लेट अस स्टार्ट। तो आप स्क्रीन पे कुछ देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे एक क्यूज जो है वो स्टार्ट होने वाला है, तो सभी को विजिबल है, आप यस ऐसे हाथ हिला सकते हैं बच्चे। ओके, तो चलिए इस क्यूज में एक चीज बता दूं, इसमें टाइमिंग का है, साथ में टाइमिंग चलेगी, उस टाइमिंग के अंदर ही आपने उसका आंसर देना है, अदरवाइज वो क्यूज जो है वो बंद हो जाता है। तो चलिए लेट अस स्टार्ट। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हटगढ़ के बच्चों के लिए। स्क्रीन पे एक क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है, और 30 सेकंड का समय है। हाँ जी, कौन सा आंसर, जल्दी से बताएं बच्चे। 10 सेकंड, 9 सेकंड, फोर कौन सा? सेकंड फोर। सर। ओके, तो तालियां आपके लिए, आपका आंसर ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आप स्कोर एक साइड पे लिख लें, आपका स्कोर रहा 14, हम आपका लिखते हैं, आप हमारा लिख लीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हुआ है उसमें आपके 14 स्कोर आया है, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं दोनों टीम, ए बी मान लो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो मेरे स्टूडेंट है वो इसका आंसर देंगे।
आप इसको देखिएगा, आप भी देखिए। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अरे कौन सा आंसर, बोले जल्दी, 5 सेकेंड, 4 सेकेंड, 3 सेकेंड। तो हमारी टीम का क्वेश्चन गलत हो गया है, तो इनको कोई स्कोर नहीं मिला है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। फॉर एनी स्क्वेयर मैट्रिक्स ए, ए मल्टीप्लाई ए कॉम्प्लीमेंट इज ए यूनिट मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स, सिमेट्री मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, बताएं जल्दी। 40 सेकेंड, 39 सेकेंड। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑप्शन नंबर थर्ड। ओके करेक्ट, वेरी नाइस। तो अभी आपका स्कोर जो है पहले 14 था और उसमें ऐड हो गया, कितना ऐड हो गया उसमें, 84, तो 98 स्कोर हो गया आपका। चलिए थर्ड क्वेश्चन, यहाँ मोटरी स्कूल के बच्चों के लिए, ध्यान से देखना जी, आप पीछे रह गए, आप ही देखिए। इक्वेशन आपके इनफाइनल सॉल्यूशन है, बताओ ए की वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन मैट्रिक्स का भी है और आपने जो लीनियर इक्वेशन है उसमें भी आपने पढ़ा ये क्वेश्चन। हाँ जी जल्दी करें, 58 सेकेंड। आपको मुश्किल क्वेश्चन आ रहे हैं, आप क्या करते हैं इसको तो पता नहीं चलता। बच्चे बोल रहे हैं मैं बता दूं। चलिए जी वन बोला इन्होंने, देखते हैं वन आंसर है कि नहीं है। रॉन्ग, तो चले दो क्वेश्चन आपसे पूछे, दो क्वेश्चन इनसे पूछे, तो आपके क्वेश्चन ठीक आए, इनके क्वेश्चन गलत हो गए, कोई बात नहीं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, तो देखते हैं इसका क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखे स्क्रीन पे। द मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, देन क्या ऑप्शन रहेगी, क्या नाम बी है इसमें, क्या नाम मैट्रिक्स है, क्या ए और बी दोनों जीरो है या फिर दोनों में से एक जीरो है। शाबाश, कौन सा ये वाला, ए जीरो और बी जीरो, सॉरी दिस इज रॉन्ग, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं था। तो आप अपनी बुक में इसका आंसर ढूंढ सकते हैं और बड़ा आसानी से आपको मिल जाएगा, कोई बात नहीं, गुड लक फॉर नेक्स्ट टाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब मोर्टी स्कूल के बच्चों के लिए, ये रहा स्क्रीन पे। इफ आई इज ए यूनिट मैट्रिक्स देन 3 मल्टीप्लाई आई विल बी यूनिट मैट्रिक्स होगी, स्केलर मैट्रिक्स होगी या एक ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होगी। बोलिए बोलिए कौन सा, तो ये बच्चे बोल रहे हैं स्केलर मैट्रिक्स, तो लेट अस सी। तो तालियां इनके लिए। तो क्या आपको पता था इसका आंसर, आप खड़े करो, पता था, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इनका स्कोर हो गया 212, तो कितने हो गए आपके, कितने ऐड हो गए,
चलो इनके 114 हो गए और 98। अच्छा इसमें एक याद रखना, ये जो मार्क्स मिलते हैं ऊपर जो स्कोर मिल रहा है ये टाइमिंग का भी हिसाब है, आप जितने जल्दी आंसर देंगे आपको उतने ज्यादा स्कोर मिलेंगे, ये याद रखना आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट तो व्हाट इज दे रखे, के की वैल्यू फाइंड करनी है, जल्दी करें, शाबाश। तीन मिनट दिए मैंने, बहुत टाइम है इसमें, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मेरे वाले बच्चे भी कर रहे हैं, आप भी करें। तो एरिया आपको ट्राइंगल का गिवन है और आपने डिटरमिन का यूज करके ये के की वैल्यू फाइंड करनी है, साथ में आपको वर्टिसेस भी गिवन है। चलिए जल्दी करें जी। हाँ जी, कौन क्या आंसर है बच्चे? ये जो पहले है ये 1.2 है, ये याद रखना, ओके 1.2 है। नेक्स्ट 12.2, 12, -2 और -2। हाँ बच्चे 17 सेकेंड, 16 सेकेंड, 11, 10, 9। ऑप्शन डी -2। कौन सा बेटा? -2। ओके तो सॉरी बेटा, तो इस करेक्ट आंसर इज 12, -2। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आप ट्राई करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट सीनियर स्टडी स्कूल मोटली के बच्चों के लिए, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इफ ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए इज ए जीरो मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्री मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चले जल्दी जल्दी बताएं क्या है आंसर इसका जी। ए और बी दो सिमेट्री मैट्रिक्स हैं, सेम ऑर्डर है और ए बी को मल्टीप्लाई किया, उसका डिफरेंस किया, तो बताओ क्या होगा जी, क्या जीरो मैट्रिक्स होगी, सिमेट्रिक होगी, सिमेट्रिक होगी, कि आइडेंटिटी होगी? सिमेट्रिक। चलिए सिमेट्रिक, तो इन्होंने बोला सिमेट्रिक तो रॉन्ग है, तो ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन जो है जो गलत कर दिया है। अब आपके लिए क्वेश्चन बेटा, चलो आप दे दो तब तक, चलिए आप दे दीजिए। मैट्रिक्स ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली इफ ए और बी जो ए और बी इनवर्स होंगे, तब होगा। सी कर दो, है तो सी, सी कर दें, दिस इज ओके। फोन देना मुझे। चलो अब आप लोग को और अगला मिल जाएगा। क्या प्रॉब्लम आ गई सर? ओहो आप अपने उसमें कर लो मोबाइल पे, एक क्वेश्चन रहता है फोन से कर लेते हैं कवर। ओके ओके राइट चलेगी वहां पे। तो कितने आपके, उनके कितने भैया? आपने बताना था ना चीजें, अभी स्कोर 50 आया इसमें, आपका दिखाओ 50 स्कोर, 50 आया भाई। आगे सर
रूप पर है सर, जुड़ गए हैं। ओके, सुन पा रहे हैं सर? यस यस सर। ओके सर, यू आर इन। चलिए, वेरी गुड। बच्चों, जो क्वेश्चन था 9, क्योंकि उसमें टाइमर चल पड़ा था तो मेरे बच्चों ने इसका आंसर दे दिया है। उनको 50 स्कोर आया है इसमें, इनका करेक्ट था इसका आंसर। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होने हैं। अभी लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, 5th क्वेश्चन। ओके, तो रेडी हैं आप? पकड़ो, ठीक है। तो चलिए, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आपके लिए। बड़ी आसान क्वेश्चन है, 60 सेकंड आपको मिलेंगे इसमें। इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, देन क्या ए डायगोनल मैट्रिक्स होगा, क्या स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ए, क्या एक ए जो है वो जीरो मैट्रिक्स होगा, या नन ऑफ दीज। शाबाश, 26 सेकंड, 25, 24, 22, 21, which one बेटा, A is diagonal, A is square, A is zero, none of these, anyone, which one? Second plus second board. Okay. जीरो मैट्रिक्स, इस करेक्ट आंसर जीरो मैट्रिक्स। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, फिर भी ये रहा। तो कितना कितना स्कोर रहा आपका और यहाँ का? कोई बात नहीं, आपका स्कोर रहा 98 और यहाँ का स्कोर रहा 164। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब हम दोबारा से मिलेंगे तो अच्छी सी तैयारी करेंगे। तो कोई भी बच्चा बताए आपको कैसा लगा? अरे बताओ कैसा लगा, बोलो। कोई भी बच्चा आके बताए कैसा लगा आपको, आप अपना नाम बताएं। सर बढ़िया लगा। आपका नाम बताएं? सर मुस्कान। मुक्ता समय सर मुस्कान। यस सर। ओके, और कितनी पढ़ाई करते हैं दिन में? सर दिन में मैथमेटिक्स को 1 घंटा। ओके, तो कुल कितना टाइम देते हो पूरी पढ़ाई को, होमवर्क वगैरह सारा करते हो? यस सर। ओके, तो आपके 11th में कितने मार्क्स आए हैं? 81% थे, 408 मार्क्स। तो अभी 12th में क्या प्लान किया है, टॉप करोगे? यस सर। बेस्ट विशेस मेरी आपको, बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू सर। इंदेश कालिया जी अपना इंट्रोडक्शन देंगे। हेलो, मेरा नाम इंदेश कालिया, मैं 12th क्लास में पढ़ता हूँ, नॉन मेडिकल सब्जेक्ट्स। मेरी 11th में 77% आई थी। थैंक यू। आप किसी फॉरेन के बच्चों से मिलना चाहते हो ऑनलाइन? आप किसी फॉरेन स्टूडेंट से मिलना चाहते हैं? किसी फॉरेन के जो बच्चे हैं, जैसे आप आज हमसे जुड़े हो, इसी प्रकार जो फॉरेन के बच्चे हैं, जैसे अभी आज हम नाइजीरिया एक देश है उसके बच्चों से मिलने जा रहे हैं, तो क्या आप भी किसी से मिलना चाहते हैं, ऐसे किसी देश के बच्चों से? यस सर। ठीक है, तो मैं फिर जैसे आगे नेक्स्ट हमारी मीटिंग होगी तो मैं मनोज सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ये मीटिंग अरेंज करवा दें। तो उसमें फिर आप जो है, अगर आप कोई प्रश्न भी पूछना चाहते हैं उन बच्चों से, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। ओके, तो बताए सर, आप बताए कैसा रहा? और बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया।
लेकिन थोड़ा लाइट चलेगी हमारे यहाँ पर, यह है बैकअप उसमें सर आपकी केमिस्ट्री क्लासेस लगवाई थी, बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी वो हमारे लिए। हम तो क्या इन बच्चों ने कोई मैथमेटिक्स के भी वीडियो वगैरह देखे थे? मुझे पहचानते हैं बच्चे, आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना है स्कूल मैथ, उसमें 284 वीडियो है, 11th और 12th के सारे वीडियोस में पड़े हुए हैं, ठीक है? मनोज सर आपको बता देंगे। मैं बता दूंगा सर, बता दूंगा। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और थैंक यू सर जुड़े, और इसी आशा के साथ कि हम दोबारा से जुड़ेंगे और बच्चों को एक बेहतर प्लेटफॉर्म देने में हम कामयाब हो गए। तो मैं अपने यहाँ से, अपने बच्चों की तरफ से, अपने स्टाफ की तरफ से, अपने प्रधानाचार्य की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सेम यस सर, हम भी आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने ये हमें मौका दिया बच्चों के साथ इंटरेक्ट होने का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर।